फाइनली कई सालों की मेहनत के बाद और लगातार सुर्खियों में बने रहने के बाद आज जाके सहकारिता बैंक भर्ती घोटाले का रिजल्ट आया। रिजल्ट ही कहूँगा मैं इसे, करीब दो तीन साल तो हो ही गए होंगे ग्रुप डी की भर्ती को। सहकारिता बैंकों में जो सहयोगी गार्ड की ग्रुप डी की भर्तियाँ थीं, फॉर्म आते हैं, पहले फिजिकल टलते हैं, फिर होते हैं तमाम, दोबारा तिबारा फॉर्म भराए जाते हैं। याद हो आपको उसमें राज्य में जो है इलेक्शन हो रहे थे, जिसकी वजह से भर्ती बीच में डाल दिए थे, फिर इलेक्शन के कारण जल्दी उसको निपटाया गया। उसके बाद जो है रिजल्ट जारी किया गया। ठीक, अब जो बड़ी खबर है कि बीच में आपने देखा होगा तमाम घोटाले हुए, जांच पे जांच, कभी ये जांच, कभी उच्च स्तरीय जांच, कभी निम्न स्तरीय जांच, कभी शासन को, कभी न्याय विभाग को रिपोर्ट भेजी गई। फाइनली जो है अब जाके इसके बारे में सूचना मिली है कि इसमें जो है निर्णय हो गए। क्या निर्णय हुआ है, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सभी अभ्यर्थियों तक या फिर उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति तक ये खबर जो है पहुंचनी चाहिए। जी हाँ, बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है इस सहकारिता बैंक भर्ती मामले में बारह कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जी हाँ, लगभग 150 से अधिक जो है कर्मचारी भर्ती हुए थे, लेकिन केवल 12 कर्मचारियों की जो है सेवा समाप्त की गई है, केवल 12 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है। बाकी के अगर मैं 156 इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो आप टोटल 156 यहाँ पर अभ्यर्थी तीनों बैंकों में हुए थे सेलेक्ट। अगर इसको आप 12 से माइनस करें तो आप सोचिए 144 अभ्यर्थी यहाँ पर जो है सही पाए गए हैं, 12 अभ्यर्थी यहाँ पर जो है गलत तरीके से हुए, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। क्या क्या है आगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं तीन बैंकों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं देहरादून, यूएस नगर, पिथौरागढ़ के बैंकों में भर्ती हुई। ठीक है, और बात करें देहरादून में 60, यूएस नगर में 48, पिथौरागढ़ में 48 कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई थी। इनमें से 5 कर्मचारी देहरादून, देखिएगा कहाँ कहाँ पर जो ये कर्मचारी जो है हटाए गए हैं, 5 कर्मचारी देहरादून से, ठीक है, 5 यूएस नगर से और 2 कर्मचारी पिथौरागढ़ से बाहर हुए हैं। तो 12 कर्मचारी हुए हैं, 2 पिथौरागढ़, 5 आपके देहरादून और जो है 5 आपके यूएस नगर, 144 में से, ठीक, 144 बचे। ठीक है, जबकि बाकी जो बैंक थे उनकी भर्ती को निरस्त कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं बाकी बैंकों ने भी अपने यहाँ भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दी थी, सिर्फ रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। बाद में इन सभी बैंकों की भर्ती को भी निरस्त कर दिया गया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि यदि तीन बैंकों में सिर्फ 12 लोगों की ही सेवाएं समाप्त की जानी थी तो अन्य बैंकों की भर्ती को निरस्त क्यों किया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग उत्तराखंड के तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, जहां जहां आपके कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंक में सहयोगी गार्ड की जो भर्तियां आई थी, उनमें से इन तीन बैंकों, आपके यूएस नगर, पिथौरागढ़ और देहरादून की जो लगभग 156 कैंडिडेट्स की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से 12 कैंडिडेट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, 144 कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दी गई, बाकी अदर बैंकों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं साफ साफ, तो अन्य बैंकों की भर्ती को क्यों निरस्त किया गया, ये आम अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। मैं आज भी उन अभ्यर्थियों से, उत्तराखंड के, आज भी सवाल करता हूँ कि अगर आपने सही समय पर आवाज़ उठाई होती और
सही समय पर सही तरीके से सोशल मीडियाज का और प्रिंट मीडिया का अगर इस्तेमाल किया होता तो शायद ये भर्ती बहुत जल्दी, इसका जो परिणाम आज 12 है, शायद ये 12 से 120, 144, 156 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट फिलहाल ये कि इसकी जो रिपोर्ट है वो जो बाहर निकल के सामने आई है, रिपोर्ट में जो हवाला दिया गया है कि 12 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा गया, बाकी अदर जो बैंकों की भर्ती थी उसको निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है कि 156 कर्मचारियों की भर्ती पर जो सवाल उठे हुए थे, जांच के बाद अंतिम फैसला सिर्फ 12 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने से लिया गया है। यानी कि जो रिपोर्ट दर बर दर भटकती जा रही थी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो आके अटक गई 12 जो अभ्यर्थी हैं उनकी, कर्मचारी जो 12 कर्मचारी हैं उनकी जो सेवाएं हैं उसको समाप्त करने पे आके अटक गई है। उसके अलावा रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की ओर से देहरादून, यूएस नगर, पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंकों को कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं, यानी कि जो आदेश है वो यहाँ पर जारी हो गया है, यानी कि इन 12 कर्मचारियों को बाहर निकालने का आदेश जारी हो गया है। जिला सहकारी बैंकों में वर्ष 2021 में, जैसे कि आपको पता है, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकली हुई थी, भर्ती प्रक्रिया पहले ही दिन से विवादों में रही है। बैंकों ने शासन स्तर पर जारी भर्ती प्रक्रिया के मानकों के विरुद्ध यहाँ पर अपना जो है भर्तियाँ कराई गई ऐसा कहा जाता है, अपने चहेतों को भी, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुए, सब डॉक्यूमेंट से 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठी, तमाम चीज़ें हुई। इस बीच आपने देखा होगा कि विधानसभा के इलेक्शन भी हुए, उसमें आचार संहिता भी लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ हो गया, ऐसा रिपोर्ट में भी कहा गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। बाद में 28 मार्च 2022 को कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश के बाद जाँच शुरू हुई, जो अब मुकाम पर पहुंच पाई है। तो आप देख सकते हैं 2022 की रिपोर्ट जो है अब मुकाम पर पहुंच पाई है। 56 लोगों को दी गई नियुक्ति, 12 लोगों की नियुक्ति को गलत माना गया है। 156 लोगों को यहां पर नियुक्ति की, जिनमें 12 लोगों की नियुक्ति को गलत माना गया है। अब ये कौन कौन से हैं, बाकी जब वो जो है लेटर बाहर आएगा तो हम आप तक वो चीज़ पहुंचाएंगे, ठीक है। कारण क्या बताया गया है, कारण ये है कि इनके जो प्रमाण पत्र हैं वो गलत पाए गए हैं, यानी कि जो 12 कर्मचारियों का जो आदेश है वो निरस्त का जो जारी किया गया, उनका सबसे बड़ा रीज़न ये बताया गया है इनके जो प्रमाण पत्र हैं वो जो है गलत पाए गए हैं। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आलोक पांडे ने बताया कि जाँच में सिर्फ 12 लोगों के ही प्रमाण गलत पाए गए हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश बैंकों को दिए गए हैं, बैंकों के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, अध्यक्ष, जीएम, एचआर को नोटिस दिए गए हैं। जिन बैंकों में गड़बड़ी हुई है उन बैंकों के अध्यक्ष पर भी यहां पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है, उनके चुनाव लड़ने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाकी ये तो अलग की बात है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि इतने सालों बाद 28 मार्च 2022 को रिपोर्ट इस पर आया, उसके बाद जांच कमेटी बैठी और तमाम चीज़ लगभग अब 2 साल से ऊपर है, उसके बाद ये बाहर निकल के आता है कि भाई केवल 12 लोगों के ही जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है गलत पाए गए हैं, जिनमें 5 यूएस नगर, 5 आपके देहरादून, 2 पिथौरागढ़ के कर्मचारी हैं। तो सोचिए आप इस तरह से पूरी चीज़ें, और बाकी जितने भी अदर कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी जो भर्ती है वो रद्द कर दी गई है। तो इस तरह से पूरा ये आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट अभी काफ़ी अभ्यर्थियों ने, बीच में मैंने आपको बताया भी था कि आरटीआई तक लगाई थी कि जांच रिपोर्ट में क्या है, जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची, क्या रही, उसका भी बहुत से अभ्यर्थियों को संतोषजनक जो है जवाब नहीं मिला। लेकिन आज जो बड़ी खबर आ रही है वो यह आ रही है कि जांच रिपोर्ट में आप देख सकते हैं फिलहाल अमलीजामा पहना दिया गया है, 12 कर्मचारियों को जो है नोटिस पकड़ा दिया गया है। जैसे कि इस रिपोर्ट में, इस खबर में कहा जा रहा है कि इन बैंकों ने जो है निरस्त कर दिया गया है, सिर्फ रिजल्ट, बाकी जो बैंक थे उनके जो रिजल्ट है उनको निरस्त कर दिया गया है। अब केवल 12 लोग जो 3,156 में से जो है इनके जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त कर दिया गया है। तो ये रही आज की बड़ी खबर सहकारिता बैंक की। फाइनली
जो है कई सालों से, 3 से 4 साल मोस्टली होने वाले हैं इस भर्ती को, फाइनली ये अंजाम तक पहुंचा। मैंने याद हो आपको पहले भी ये कहा था कि एंड ऑफ डे इसका रिजल्ट यही आने वाला है कि जो ज्वाइनिंग हो गई है उनमें से कुछ को काट छाट कर इधर उधर किया जाएगा, बाकी कुछ लोगों पे गाज गिरेगी, उसके अलावा बाकी जो बचे रिजल्ट थे, जी हाँ बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के रिजल्ट बचे थे उनको निरस्त कर दिया जाएगा। और फाइनली जो है ये हो गया है। और बाकी यार इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।